गोविंदा ने 14 साल की उम्र में दिया पहला ऑडिशन। हुए थे रिजेक्ट। बॉलीवुड में एक दौर था जब गोविंदा का बोलबाला था। उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। ऐसा भी कहा गया गोविंदा की फिल्में नहीं बनेंगी तो फिल्म लाइन बंद हो जाएंगी। ये बात खुद एक्टर ने भी कबूल की। स्टारडम को एंजॉय करने वाले गोविंदा के लिए ये स्टेटस पाना इतना आसान नहीं था। एजेंडा आज तक 2018 में सीनियर जर्नलिस्ट श्वेता सिंह के साथ बातचीत में गोविंदा ने खुलासा किया कि वे 14 साल की उम्र में ऑडिशन देने गए थे, जहां वे रिजेक्ट हो गए थे। उन्होंने कहा, जब मैं पहली फिल्म करने गया था तब 14 साल का था, ऑडिशन में रिजेक्ट हो गया था। लोग कहते थे, तुम पूरे जवान नहीं हुए और बचे भी नहीं रहे। दरअसल मैं चाह रहा था कि मम्मी का दुख दूर हो, तो छोटी उम्र में ये छटपटाहट थी। लेकिन गोविंदा ने हार नहीं मानी। उनकी पहली मूवी 1986 में आई थी। इसे पहलाज निलानी ने प्रोड्यूस किया था और शिबू मित्रा ने डायरेक्ट। एक्टर का मानना है कि वे रिजेक्शन से नहीं डरते। बकौल गोविंदा, मुझे कभी रिजेक्शन का बुरा नहीं लगा। मैं अक्सर कहता हूँ, न थके हैं नहीं पूरी हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर, आज भी हिम्मत जारी है। उन्होंने कहा, मैं प्रयास हर चीज का करता हूँ, ये कभी नहीं करता हूँ कि भय लगता है, घबराहट हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री ये कहने पर उतारू हो गई थी जब लोगों से कहा गया, गोविंदा लो आ गया हीरो, रंगीला राजा लग रही है। मैं उम्मीद करता हूँ जैसे पहलाज जी से करियर शुरू किया था, फिर शुरुआत होगी, रंगीला राजा हिट रहेगी। गोविंदा की अपकमिंग फिल्म रंगीला राजा का गाना ढोली ढोल बजा लॉन्च किया गया। इस मौके पर फिल्म की एक प्रेस मिशिका और निर्माता पहलाज निलानी भी मौजूद थे। ये CBFC के पूर्व चेयरमैन पहलाज की 25वीं फिल्म है। इसे अगले 11 जनवरी को रिलीज किया जाएगा।